हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लर्न करने वाले हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर चैप्टर जो 2 है आपका, उसकी वोकैबुलरी एक्सरसाइज। चैप्टर फर्स्ट में आपके स्पीच साउंड्स दे रखे हैं जो ऑलरेडी अपलोडेड हैं उनकी वीडियोस। अब चैप्टर 2, चैप्टर 3 और 4, इस तरह से सभी चैप्टर्स की हम वोकैबुलरी एक्सरसाइजेस पढ़ेंगे और उनको बिल्कुल आसानी से समझाया गया है ताकि आप उसको एक बार समझ के ही याद कर पाओ। तो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। फर्स्ट जो है, फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर दैट आर सिनोनिमस विद द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। सिनोनिम बताने हैं उन वर्ड्स के जो इटैलिसाइज्ड हैं, यानी थोड़े से अलग दिखेंगे आपको। ऑल स्पीसीज वॉन्ट टू सर्वाइव, इसमें जो सर्वाइव वर्ड है वो इटैलिसाइज्ड है और इसका हमें सिनोनिमस बताना है। सर्वाइव का मतलब होता है अस्तित्व में होना और दूसरा वर्ड है इसका एग्जिस्ट, एग्जिस्ट। दूसरा जो वर्ड है, आइस मेल्ट्स वेरी फास्ट, मेल्ट इटैलिसाइज्ड वर्ड है और मेल्ट का मतलब पिघलना होता है। दूसरा इसका वर्ड है डिजोल्व, डिजोल्व। मिल्क इन कंडेंस्ड फॉर्म इज़ वेरी टेस्टी, कंडेंस्ड, कंडेंस्ड का मतलब होता है संघनित, इकट्ठा रूप। कंडेंस्ड का जो दूसरा वर्ड है वो होगा कंसनट्रेटेड, कंसनट्रेटेड। फाइंड वर्ड्स फ्रॉम द चैप्टर दैट आर एंटोनिम ऑफ द इटैलिसाइज्ड वर्ड्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब की बार हमें एंटोनिम्स बताने हैं। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू कंस्ट्रक्ट ए हाउस, बहुत मुश्किल है घर को बनाना। कंस्ट्रक्ट मीन्स होता है बनाना, बिल्ड। अपोजिट है इसका डिस्ट्रॉय, डिस्ट्रॉय। हिज एक्सपेरिमेंट वॉज सक्सेसफुल, सक्सेसफुल सफल। सक्सेसफुल का अपोजिट होता है फेलियर, फिएस्को। आपके जो वर्ड आपके चैप्टर में जो आया है वो है फिएस्को। एप्रिसिएशन ऑफ द रूपी इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन इम्प्रूविंग द नेशनल इकोनॉमी। एप्रिसिएशन होता है इंक्रीज इन वैल्यू, इसका अपोजिट होता है रिसेशन, रिसेशन का मतलब होता है डिक्रीज इन वैल्यू, रिसेशन। नेक्स्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन एप्रोप्रिएट वर्ड फ्रेज। एथेनॉल इज ए प्रोडक्ट ऑफ कॉर्न, ये आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग है। एथेनॉल किसका नाम है, एक ऐसा प्रोडक्ट है जो किससे बना हुआ हो, कॉर्न से बना हुआ हो। द ओल्ड टेस्टामेंट इज़ द नेम ऑफ द बाइबल, बाइबल के 2 पार्ट्स हैं, द ओल्ड टेस्टामेंट एंड द न्यू टेस्टामेंट। द ओरिजिन ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड द बिग बैंग थ्योरी, वो थियोरी जिससे पूरे वर्ल्ड का जो है ओरिजिन हुआ हो, अर्थ का ओरिजिन हुआ हो, वो कौन सी है, बिग बैंग थियोरी। द प्रोसेस बाय विच हेवनली बॉडीज मूव अवे फ्रॉम वन अनदर इज़ नोन एज रिसेशन, एक ऐसी प्रोसेस जिसमें जितने भी हेवनली बॉडीज़ हैं, ब्रह्मांड में जितने भी बॉडीज़ हैं, चंद्रमा है, पृथ्वी है या और जो प्लैनेट है, वो एक दूसरे से अलग होते जाते हैं ये बॉडीज़, उसको क्या कहते हैं, रिसेशन, पीछे हटना। ए वेरी टाइनी रीजन, एक छोटा सा क्षेत्र ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का, विच इज़ ऑफ एक्सट्रीम डेंसिटी, जिसका घनत्व बहुत ज़्यादा हो एंड टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा हो, इज़ नोन एज, क्या कहा गया था उसको, द बिग बैंग, बिग बैंग कहा गया था कि एक ऐसा बहुत टाइनी सा क्षेत्र था जिसमें सब कुछ बहुत कंडेंस्ड फॉर्म में था और फिर बिग बैंग एक बड़ा सा धमाका हुआ और जिससे जो है अर्थ बनी। इलेबोरेट ऑन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेज, इलेबोरेट करना है हमें। कॉस्मॉस द यूनिवर्स, ब्रह्मांड। प्राइमेट द चीफ बिशप ऑफ ए कंट्री, किसी देश का या किसी क्षेत्र का चीफ बिशप, चीफ पादरी, प्रेस्ट। एस्ट्रोनॉमी द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, द मून एंड द स्टार्स। क्वांटम फिजिक्स, क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की वो ब्रांच, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद मोमेंट एंड फोर्स इन पीस ऑफ मैटर, जो कोई भी मैटर है और कोई भी मैटर है उसमें स्टडी करती है कि किस तरह की मोमेंट होती है और किस तरह का उसमें फोर्स लगता है, बल लगता है, और वो मैटर कैसा होना चाहिए, स्मॉलर देन एटम, जो एटम है उससे भी जो छोटे, छोटा मैटर जो एटम होता है उससे भी छोटे, एटम से भी कोई छोटी यूनिट होती है, तो उसके अंदर फोर्स और मोमेंट किस तरीके से होते हैं, ये सारी स्टडी करता है कौन, क्वांटम फिजिक्स। अब हमें बताने हैं मीनिंग्स, ये एक टेबल दे रखी है। पेन अगेनी, स्टडीली, ग्रेजुअली, प्रेज एडमायर, इमिट डिस्चार्ज, एक्सपेंड इंक्रीज। सिक्स नंबर पे दे रखा है प्रोवाइड एंटोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। फर्स्ट एंटोनिम बताने हैं हमें एग्जिस्ट, कोई चीज़ प्रेजेंट होना, मौजूद होना, अस्तित्व में होना, अभी अभी पढ़ के आई हैं। सीज या एंड, ख़त्म होना।
स्टेटिक, एक जगह स्थिर होना, डायनामिक, मोशन में होना, गतिशील होना, डिटरमाइन, निश्चित, हेजिटेट, अनिश्चित, अटेम्प्ट, अनअटेम्प्ट, गिव अप, मास्टरी, फेलियर। तो ये थी आपकी चैप्टर 2 की वोकैबुलरी एक्सरसाइज, इसको लर्न करें और नोटबुक में भी नोट करें।